ରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ ହୋଇଛି। ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଜଳେଶ୍ୱରର ପରିସ୍ଥିତି ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇଛି। ବସ୍ତା ବ୍ଲକରେ ଥିବା ଜଳକା ନଦୀର ଜଳ ମଧ୍ୟ ଫୁଲୁଛି। ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଜଳକା ନଦୀର ଜଳପତନ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଏଠାରେ ବିପଦ ସଂକେତ 5.50 ମିଟର ଥିବାବେଳେ ସକାଳ 5ଟା ସୁଦ୍ଧା ଜଳପତନ 6.63 ମିଟରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। तेबे दुर्बल नदीबंधकु नजरे रखी प्रशासन सजग रही। तळिया अंचलरे बन्या पानी प्रवेश आशंकारे अंचलवासी बेस भयभीत अछन्ति। बन्या जल बढ़िले उत्तर बालेश्वरर बस्ता सदर बालियापाल जळेश्वर ब्लॉक रो शताधिक गाँ प्रभावित हेबे। ए प्रसंगे अधिक सूचना पे आम सहित जोड़ी होती दिलीप दास प्रतिनिधि। दिलीप जानकु चाहबु जो भाव में वर्षा जो जलेश्वर विभिन्न स्थान में अवस्था संगीन एसआरसी समीक्षा करते जो जलेश्वर में वर्षा जो बन्या परिस्थित सृष्टि तेणुक लगा वर्षार प्रभाव कौ कौ जगार जारी रही सेठे कि मुकाबला बंदोबस्त कर निश्चित भाव में जलका नदी जो बस्ता ब्लॉक दे बही जाए उत्तर बालेश्वर लाइफ लाइन कहले चल जलका नदी से जलका नदी उपमंडल मयूरभंज अंचल प्रबल वर्षा दुई तीन दिन धरी चलती जलका नदी में बन्या जल बढ़ुची। जलका नदी बस्ता ब्लॉक मथानी ठारे जो विपद संकेत रही 5.5 मीटर वर्तमान विपद संकेत उपरे 6.3 मीटर प्रवाहित होउची जलस्तर तेणु तलिया अंचल को एवं पा प्रवेश कर संभावना रही। तेरे गत काली जो आम कथा कहूल तोलतापुंडा गाँव में जो नदीबंध दुर्बल थिला से अंचल पा प्रवेश करने रही आशंका रही राज्य एवं जिला प्रशासन तरफ से बंध को बर्तमान मरामती चली बाली बस्ता दे बंध मरामती कर तलिया अंचल पा प्रवेश कर लोक मान भय संचार तथापि तो ब्लॉक प्रशासन बस्ता ब्लॉक प्रशासन सजग रही केमिति तोलिया अंचल रे पानी पसिले लोकन को सुरक्षित भाव से जिला प्रशासन तत्पर अछन्ति। तबे लगाण वर्षा बस्ता ब्लॉक बालियापाल भगरई एवं जळेश्वर अंचल बन्या परिस्थिति सृष्टि करिछि। तबे ये जो बन्या परिस्थिति बस्ता ब्लॉक जलका नदी रे सृष्टि होइछि ये बन्या परिस्थिति जो सृष्टि हुए ताहले चारटी ब्लॉक रो प्रभावित हबो। एबे जो चास रहिछि आज्ञा दिल्ली एसआरसी जहां प्रतिक्रिया देथले केवल जलका नदी रे जलपतन बढ़ी चलिछि किंतु एपटे तो देखंतु तळिया अंचल रो अनेक अंचल रे बन्या पानी पसिछि अनेक अंचल प्रभावित होइछि से बस्ता कथा कोंतु बालियापाल कथा कोंतु जळेश्वर ब्लॉक रो शताधिक गां प्रभावित होइछि। निश्चित भाव एसआरसी जो कथा कहते एवं सुवर्णरेखा नदी सुवर्णरेखा नदी में बन्या आसी ना केवल बस्ता ब्लॉक मथानी ठारे जो जलका नदी प्रभावित हो जलका नदी में बन्या आसी फल चारोटी ब्लॉक शताधिक गाँव प्रभावित हो लगाण वर्षा जो ड्रेनेज सुविधा नथिबार जलेश्वर बन्या मध्य प्रतिनिधि जोड़ी सहित आलोचना करवा। कलाहांडी जिले में गत काली वर्षा लगि रही प्रबल वर्षा जो धर्मगढ़ उपखंड कलमपुर ब्लॉक प्राय पांचटी गाँ जलमग्न हो जाए बिरीपुर कथा कहतु करमेल कथा कहतु जमापड़ा बलीछड़ा और मातिखला गाँव में पा पशि सीधा सड़क जाना कलाहांडी प्रतिनिधि आम सहित जोड़ी कि देखुं वर्तमान परिस्थित बन्या परिस्थित देखा अनेक अंचल विशेष भाव में कलाहांडी प्रभाव को गांव गुड़िक विच्छिन्न हो को गांव गुड़िक विशेष भाव में प्रभावित होती तलिया अंचल लोक कि स्थानांतर कर हाथी नदी अच्छी हाथी नदी नदी कूलिया अंचल अच्छी बिरी मुहाण हो कि जेनापड़ा हूँपड़ा हूँ से अंचल पानी वर्तमान पशि जाए पानी पशिला लोक प्रशासन तरफ सतर्क कर देखु थे आम पछपटे यहाँ धर्मगढ़ रखापाखि 5 किलोमीटर दूर में गोटे नाल अच्छी से नाल उपरे वर्तमान 5 फुट पा चली उभय पक्षे गाड़ी गाड़ी मोटर जान बाहन उठी रही चारिपुट जावा आसवा बाधाप्राप्त होती वर्तमान पुलिस प्रशासन तरफ आसिकी लोक अटकई दुई तरफ किए कड़े जीवे मानने आगक गले विपद अच्छी बोलिए पुलिस प्रशासन से अटकई रखिंट तो कलाहां लगाण दि दिन वर्षा पर कलाहां पिस्थित
धीरे धीरे टी मुस्किल होगा बसुची नदी कूलिया अंचल हो कि अन्न्य अंचल हो आने पक्ष चाष जमी भी विशेष पा माड़ जाऊँ चाष जमी भी बहुत पा माड़गला आज्ञा जे भळारे पूर्वरो जो सूचना थिला जे जल अभाव रो चासो जमी फाटी आ करथिला आ वर्तमान एते परिमाणर वर्षा होईची जे चासो जमी वर्तमान बुडीबाकु बसलानी चासी मानकर प्रतिक्रिया कोन होची ए भळी परिस्थिति रे कि भळे भरे सहायता तांकू मिलिबो लोकंकु कि भळे रे उद्धार करा जिवो एथिबे स्वतंत्र भाबरे जिल्ला प्रशासन किछि पदक्षेप नेइचंती कि नहीं देखो तो वर्तमान पर्यंत से भली किसी प्रशासन तरफ कौनसी पदक्षेप नहीं नांती कारण बहुत दिन कलाहांडीवासी आशंका रे थिले जे वर्ष मरुड़ी किसी हबनी तो मरुड़ी गोटे प्रकार पादध्वनि देइतिला किंतु सेही समय रे हठात वर्षा लगातार होती तीन चार दिन है तो हठात जेहेतु वर्षा होती प्रशासन तरफ कौनसी प्रकार लोक पहुंची पारे नहीं वर्तमान किंतु प्रशासन वर्तमान से सक्रिय होती लोक मानक सचेतन करुंच मुख्यतः जो मैंने नदीकूल अंचल अच्छा आउ चाषी मानू भी बारंबार जो पंचायत तरफ एवं जो भिएडब्ल्यू अच्छा विलेज एग्रीकल्चर ऑफिसर से चरिया प्रति पंचायत से बुलिक सतर्क रहा कहते पानी न रखा कहते कहीं आगामी आउ दु दिन वर्षा प्रबल परिमाण में वर्षा हेबार संभावना अच्छी से चाषी मानक वर्तमान प्रशासन सतर्क करने जाऊँगी आज्ञा निहाती अटकै को चाहिबो आम सहित अनुगुल प्रतिनिधि रघुनाथ जोड़ी छथि रघुनाथ आपनको अंचल रे कोन केमती समस्या रहिछि वर्तमान प्रबल वर्षा गोटिए परे गोटिए लघुचाप फळरे बन्या परिस्थिति अनेक अंचल रे सृष्टि हेलानी आपनको अंचल रे समस्या को किभलि देखु छथि रघुनाथ सुनि पारु छथि जांत्रिक त्रुटि जो जोगाजोग संभवपर हो पारना आम प्रतिनिधि जाणवा पूरा अंचल स्थिति देखा कि रही विभिन्न अंचल आम आपको चित्र देखाऊ आम सहित तो टेकचंद छत्रिया लगातार भाव में जोड़ी होती धर्मगढ़ प्रतिनिधि टेकचंद पूर्व आपते कि भाव में बन्या परिस्थितर मुकाबला पदक्षेप वर्तमान सुधा से भाई कौन से निजाएना कि प्रशासन तरफ अनेक गांव को सतर्क कर को गांव गुड़ी विशेष भाव सतर्क रहा परामर्श दि जाएगी कारण आग को आहरी लघुचाप आसुची प्रबल वर्षा हेबो बन्या परिस्थिति उपजी पारे अनेक स्थान रे तेणुक सतर्क सूचना कौन दि जाएगी विशेष जो गांव मान को सतर्क कर दिया जाए प्रशासन तरफ सीटा है कलाहांडी जिला कलमपुर ब्लक बीरी मोहान एवं जेना जेनापड़ा दलित पड़ा एवं करमेल ये जो चार पांच टी गांव अच्छी सतर्क कर दि जाए कलमपुर अंचल जो बन्या आश्रय स्थली अच्छी से बन्या आश्रय स्थली को वर्तमान सजग करती पंचायत प्रतिनिधि मान को कहुई से बन्या आश्रय स्थली को पूरापूरी पूरापूरी भाव में रखिए कहीं कौ मुहूर्त भी से गाँव से पांच सात जो गाँव अच्छी से गाँव रोक मान बन्या आश्रय स्थली को नाक पड़ पे से जो बन्या आश्रय स्थली लोक मान खाइबा केमी दिजो सुखा खाद्य केमी दिजो से पक्ष प्रशासन बहुत जत्नवान अच्छे आज्ञा अनुगुल को जीवा सेठारे रघुनाथ आम सहित लगातार भाव में जोड़ी होती रघुनाथ जो भाई सूचना रोचे 23 जिला को वर्षा बन्या परिस्थिति संभाव्य वर्षा लग रही लघुचाप पुणी एक लघुचाप लगातार भाव में वर्षा लग रही आपण अंचल स्थिति जाना चाहिए कि भाई रही आप अंचल स्थिति भाव में बंगोपसागर सृष्टि लघुचाप निश्चित भाव में अनुगुल जिले में पड़ी लगातार जो भाव में तीन दिन है वर्षा होती लोक अवस्था बेहाल होगला अनुगुल जिला संपूर्ण भाव आम जी कह दुई महानदी एवं ब्राह्मणी नदी अच्छी ब्राह्मणी नदी जदि कह कणिया अंचल जेहेतु ब्राह्मणी नदी बर्तमान जलस्तर दुई कूल खाई खुलू निकट में अनेक गाँ रही जोटि केनाल व्यवस्था नाई अनेक ब्राह्मणी नदी पा गाँ को पशा आरंभ कला अंपटे जदि कह महानदी जो रही महानदी में आत्मलिकी अंचल जो कहुच्छी दिनिकाई अंचल कियाकटा अंचल ये अंचल में महानदी पा पशा आरंभ कला अनुगुल ब्लक टिकरपड़ा जो रही से पा आसी रास्ता पाखापाखि लगी गत काली जदि कह आत्मलिकी विधायक रमेश साहेब से अंचल को ग्रस्त कर किभली भाव में लोक मान थैतान रे उच्च स्थान को स्थानांतरित किभली भाव में अधिकांश लोक किभली भाव में प्रभावित न हो समस्त व्यवस्था कर आउ गोटे हूँ प्राकृतिक बनिया जी कह कृत्रिम बनिया जो भाव में कह जी ड्रेन समस्या उपजुची म्यूनिशिपाल कहतु एपटे पालोड़ा कहतु तालचेर
ए सब अंचल कृत्रिम बन्या सृष्टि संभावना रही कारण ड्रेन समस्या एटी संपूर्ण भाव में बिगड़ी प्रशासन ए बाबद तत्पर ना अनेक समय बैठक बस कि भाव में बना को एड़े देवाई किभली भाव में लोक मूँ ठीक जगार थैथान करने समस्त व्यवस्था प्रशासन तरफ करा मनिका बड़ कथा होती प्रशासन जी तत्परता देखा कथा से तत्परता देखेनि वर्तमान सुधा यदि कह से जो मैंने बनिया पुणी आउ एक लघुचाप जो आसब ये लगातार एमती वर्षा हेल्ले निश्चित भाव में जलस्तर वृद्धि पाव गाँ निकटस्थ समस्त गाँ को पा बनिया प्राणी ही पशिब नदी महानदी कहतु ब्राह्मणी कहतु दुई नदी पा अनेक गाँ को क्षतिग्रस्त कर जदि कह यथा संभव जदि प्रशासन ए बाबद जत्नवान नुहे निश्चित भाव में अनेक गाँ प्रभावित हम मनिका आज्ञा संभाव्य बन्या परिस्थितर मुकाबला एसआरसी सब जिलापा सतर्क सूचना बा किसी गाइडलाइन जारी करा किंतु आपण अंचल कहते जिला प्रशासन आउ टे सतर्क आउ टे सजग रहा आवश्यकता रही वर्तमान परिस्थितर किसी पदक्षेप से दृष्टांतमूलक पदक्षेप जिला प्रशासन तरफ ये बन्या परिस्थिति को मुकाबला करने लोक साहय देवाई बनिका आम जी कह जेहेतु गोटे करोना गोटे आक्रांत संख्या एटे बढ़ुची जिला प्रशासन केवल करोनार अपडेट दौर किंतु अन्य कौन बाबद वर्तमान जिला प्रशासन गणमाध्यम को कौन सूचना दौना आम जहां ग्रामवासी मानक तथ्य नौलू का आलोचना करूँ आठमल्लिक कहतु टिकरपड़ा कहतु गत काली केवल विधायक जी अच्छा आठमल्लिकर विधायक से संपूर्ण भाव में जेहतु ताक विधानसभा जाऊँगी अनुगुल ब्लक किसी जाऊँगी और आठमल्लिक ब्लक किसी जाऊँगी ये समस्त गाँ गुड़ाक होती बनिया पा गाँ को पशे सी स्थिति केवल अनुधान करु अधिक मात्र पुणी जदि वर्षा हुए निश्चित भाव में महानदी कह जी महानदी पा जलस्तर वृद्धि पाए निश्चित भाव में अनेक गाँ प्रभावित हब एपट जदि कह कणी ब्राह्मणी नदी जो बढ़ी सेपटे किसी गाँ निकटस्थ पा पशिब कितु निश्चित भाव में प्रभावित हे कि वर्षा जेहेतु रोची लगातार वर्षा रोचे कारण राति सारा ही वर्षा बर्षि पुणी आधिक बर्ष पुणी लघुचाप ये बारंबार वर्षा भाव में अनेक आउ गोटे हूँ मनिका हूँ क्षेत्र जमी जो कहूँ जो नारी जमी गुड़ाक अच्छी ये पा जमा छाड़ जो मैंने चाष करते आगर आप देखिथे कि भाव में गदा मरुड़ी जमा ही वर्षा ना पूरा खरा था यह जुगे अनेक तली पुड़ जा नष्टी तापर चाषी निजे मेरुदंड सड़खीन पुणी पुनः चाष आरंभ कर जदि कह नाली जमी गुड़ाक जी पा अधिकांश समय रुए निश्चित भाव में नष्ट हम चाष जमी नष्ट हम केवल ढीप जगह देखा से ही जगह केवल चाष हम कि चाषी मेरुदंड भांगा आशंका सृष्टि करुच्ची मोनिका आज्ञा निहाती भाव में आपण अंचल अनेक चाष जमी प्रभावित होनेक चाषी प्रभावित होती बन्या परिस्थिति को देखिकी अनेक अंचल पा माड़ चाष जमी में पा बुड़ जाइए तेणुक चाषी अनेक समस्या सम्मुखीन होती कि दिगरे जिला प्रशासन कोटि ना कोटि पदक्षेप नेबारे अवहेला करिसेंती आपण जो प्रतिक्रिया देउछेंती बहुत बहुत धन्यवाद आम सहित जोड़े अनुगुल रघुनाथ साहू आम सहित लगातार टेकचांद छत्रिया आम सहित धर्मगढ़ जोड़े टेकचांद आपंठू जानकु बन्या जोगु जोड़े अनेक क्षय क्षति होता है कौटी भूस्खलन होती गच्छ भांगी कौटी रास्ता ब्लॉक होती इलेक्ट्रिक खुंट पड़ी कच्चा घर भांगी कौन क्षय क्षति होती आपण अंचल विशेष भाव में देखो तो कोलाहांडी तो वर्तमान पर्यंत सेपरी किसी क्षय क्षतिर कौन प्रकार सूचना आसनी जो को जगह किसी अंचल घर किसी भांगी जहां आम पाखे सूचना आसी कि विशेष किसी क्षय क्षतिर हमार कि वर्तमान पर्यटन सूचना आसनी कि जो सूचना आसनी यहाँ बहुत कम समय मध्य आसी जाए पारे कहीं वर्षा जो हिसाब से कोलाहांडी हो आग को आज दु तीन दिन वर्षा हबार संभावना अच्छी से बहुत क्षय क्षति हबार संभावना अच्छी कोलाहांडी आपण मैंने देखिपे मु जो जगह ढड़ा होती ये धर्मगढ़ अंचल जगह से अंचल वर्तमान चाष जमी में वर्तमान पानी पशि जाइछि एवं बहुत बहुत परिमाण में पानी पशि जाइछि जो जगह चाष ऑलरेडी सरी जाइछिला जो जगह रुआ सरी जाइछिला बुना सरी जाइछिला भीषण सरी जाइछिला से जगह वर्तमान पानी पशि जाइछि एवं चाषी मानक बहुत क्षति होती तो प्राथमिक क्षति जहां कहवा तो प्राथमिक क्षति से जब आम आकलन करवा से चाषी मानकर जोटि की चाष जमी में पानी भर्ती जाइछि नदीकूलिया अंचल हो जो नाल अंचल हो केनाल अंचल हो कि जो गढ़ाणिया अंचल हो से अंचल गुड़ाक बहुत परिमाण में पानी पशी जाती मुँह आम केवड़ा पर्सन को कहि आप देख पारे ये अंचल में कोपली भाव में चाष जमी में पानीटा पशि जाती मानने
हजार हजार हेक्टर हेक्टर जमी में पा पशि जाती चाष संपूर्ण भाव में नष्ट तो यह के प्रशासन क्षय क्षति आकलन करी मान क्षय क्षति पूरण करमी कर निश्चित भाव में गोटे प्रकार प्रश्न रहा कि वर्तमान पर्यंत प्रशासन तरफ कौन प्रकार पदक्षेप नहीं ना जेहेतु हठात वर्षा होती आर्तमान पर्यटन कलाहांडी प्रशासन कौन प्रकार पदक्षेप नहीं ना कलाहांडी से प्रशासनिक तत्परता देखा मिलना जो कथा कहते वर्तमान चाषी मैंने विशेष भाव में प्रभावित होते बन्या जो चाष जमी उपरे पानी माड़ी जाइछि जो चासी माने फसल करने अंटा भिड़ते चाष करने अंटा भिड़ते से विशेष भाव में प्रभावित होती बहुत बहुत धन्यवाद आपण समस्त सूचनापी आम सहित जोड़ी अशोक मलकानगिरी जोड़ी लगातार भाव में जाणी अशोक जदि देखा मलकानगिरी अनेक समस्या रही बनिया को लेकिन अनेक समस्या रही मलकानगिरी कौन कौन समस्या रही कौ अंचल विशेष भाव में प्रभावित होलकानगि देखे कह मलकानगिरी गत एक सप्ताह धरी बन्या परिस्थिति सृष्टि होता है वर्तमान बन्या परिस्थिति सृष्टि जदिओ स्थित सुधार आसी किंतु वर्तमान गत काली पुणी थे वर्षा आरंभ हो मलकानगिरी जिले में जेहतु पूर्ण वर्षा आरंभ हो तली अंचल जो जलस्तर बढ़िवार लगी गत काली कांगुरकोंडा पोल उपर पा चली जहाद्वारा कि मलकानगिरी कालीमेलायात बंद हो बर्तमान जब देखा जो मोटू रही मोटू स्थान मलकानगिरी शेष सीमांत मोटू स्थान से जल घर किसी गाँव रही जलस्तर बढ़िवार लगी तो सिलेरु साबिर जलस्तर बढ़िया फल मोगी पॉइंट जो मोटूर सीमावर्ती अंचल से अंचल बर्तमान जलस्तर बढ़िवार लगी तो ये सब को दृष्टि रखी जिला प्रशासन वर्तमान व्यापक बंदोबस्त कर जेहेतु पूर्व जिले में बन्या परिस्थिति सृष्टि होता है आगामी 19 तारीख में वर्षा हम बोली पूर्वानुमान कर तो दृष्टि रखी जिला प्रशासन एक प्रकार कड़ा पदक्षेप नहीं देखा जिलार समस्त तली अंचल वर्तमान जल घेर रही अनेक गाँ अनेक जमी तो ताकू दृष्टि रखी जिला प्रशासन अनेक स्थान में बर्तमान रंधा खाद्य सुखा खाद्य बंदोबस्त कर रूपए जदि बना हुए कि बन्या परिस्थिति सृष्टि हुए लोक तली अशोक तलिया अंचल कहले कौ अंचल गुड़िक बुझा जाऊ अंचल गुड़िक विशेष भाव में प्रभावित हो देखो तली अंचल जदि आम कह मुख्यतः मलकानगिरी जिलार मोटू कालीमेला पड़िया माथिली माथिली किसी ग्राम और खैरीपुट अंचल किसी ग्राम को बुझा जाए मुख्यतः तो विशेषकर जो इफेक्ट पड़े पोटेरु कांगुरकोंडा मोटू कालीमेला पड़िया ए समस्त गाँ विशेषकर बेस इफेक्ट पड़े कारण यही अंचल हिं जल घेर बर्तमान सुधा भी लोक रोचे दीर्घ दिन धरी अंचल बना परिस्थित मत उपजित सामान्य वर्षा हेल्ले अंचल जल घेर पलि आस तेणु से समस्त अंचल वर्तमान व्यापक बंदोबस्त कर तहसीलदार बीडीओ को हाई अलर्ट रखा जाए जो ओड्राफ टीम को मुतयन कर दमकल बाहन को मुतयन कर देखा जो पड़िया अंचल रही पड़िया अंचल गत दुई दिन तीन दिन पूर्व जो प्रकार वर्षा होता से वर्षा समय अनेक लोक जल घेर रही थे तो बर्तमान से उधार कर दमकल बाहन जाए उधार कर सब अंचल विशेष गुरुत्व दिखाई विशेष ध्यान दिखाई निश्चित भाव में जानवाक चाहिए आप परवर्ती पर्यायर आप जो कथा कहले बीडीओ कथा कहतु तहसीलदार कथा कहतु इंजीनियर और ड्राफ्ट टीम समस्त लागि पड़ते कि मुकाबला परिस्थिति को तलिया अंचल नियंत्रण किंतु सालेपुर कौन रही स्थिति सालेपुर जदि देखा बेस भयंकर रही चित्र दीपक दास जाना दीपक सालेपुर स्थिति कौन रही करण रूप देखी आम जी कह कटक सदर निर्वाचन मंडल पीपुर ठारे पखापाखि 1100 फुट अतड़ा खाई महानदी एवं पांचटी पंचायत लोक पूरा विपद रही प्रशासनिक अधिकारी मैंने काली घटनास्थल पहुंची जोरदार उद्यम करस्ता पकई से बंध को रक्षा करने बालीबस्ता एवं पथर पकई जल संपद विभाग दिन रात एक कर देती बंध को सुरक्षा देवाई लोक मैंने भी भयभीत अवस्था अच्छा जेहेतु बर्तमान लगा वर्षा चली महानदी एभली कराल रूप देखी से भयभीत हो जाती घाई सृष्टि हुए ताले महानदी कूल पांचटी पंचायत सहित 10-15 पंचायत उपर यार प्रभाव निश्चिंत पड़ो किंतु जल संपद विभाग कही भयभीत हवा कौन आवश्यकता ना जेहेतु युद्धकालीन भित्ति नदीबंध सुरक्षा पाई कार्य चली तो निश्चिंत भाव विपद टली मोनिका।
ନିହାତି ଭାବରେ ଏ ବିପଦ କିଭଳି ଭାବରେ ଟଳିବ ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଷା ପାଣି ଜମୁଛି ସେଠି ଆକସ୍ମିକ ବନ୍ୟା ହେବାର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ସେଠି ବିଡିଓ ତହସିଲଦାର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଓଡ୍ରାଫ୍ ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଆଲର୍ଟ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ନଦୀବନ୍ଧ ପ୍ରତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ପାଇଁ ଏସ୍ଆର୍ସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଧର୍ମଗଡ଼ରୁ ଟେକ୍ଚାନ୍ଦ ଛତ୍ରିଆ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ, ଦିଲ୍ଲୀପ ଦାସ ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ, ଅନୁଗୁଳରୁ ରଘୁନାଥ ସାହୁ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଅଶୋକ ମିଶ୍ର ମାଲକାନଗିରିରୁ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ସାଲେପୁର ଦୀପକ ଦାସ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ବନ୍ୟା ସମ୍ପର୍କିତ ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଥିଲେ।